ये तीन राज्यों में आज बजेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा की चुनाव तारीखों का ऐलान दोपहर 2:30 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तीनों राज्यों में एक साथ हो सकते हैं चुनाव, क्योंकि इस साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आज चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन 2:30 बजे बैठक लेगा और इसके बाद यही उम्मीद की जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि तारीखों का ऐलान यहां से किया जा सकता है। और बड़ी बात यही कि तीन जो राज्य हैं इनमें एक साथ चुनाव हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी साल चुनाव होने हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अदिति, महत्वपूर्ण जानकारी यही कि आज इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है और उसके बाद बड़ा फैसला किया जा सकता है, तीन राज्यों में एक साथ तारीखों का ऐलान। आपके पास इसको लेकर के क्या जानकारी अदिति? बिल्कुल, दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन तीन राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा। दरअसल 2023 में 9 विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें से तीन राज्यों के जो चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2:30 बजे होने वाला है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम तीनों राज्यों में जाकर माहौल, क्लाइमेट और साथ में तमाम तरीके के जो इलेक्शंस के हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस को हर बार टीम जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पर जाती है, इसको देखती है। और उसके बाद तमाम बैठकों के बाद अब आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता होनी है, जिसमें तीनों राज्यों के चुनाव की घोषणा, पूरा स्केड्यूल दिया जाएगा, जिस स्केड्यूल में नॉमिनेशन की तारीख, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख, उसके बाद चुनाव की तारीख और उसके साथ साथ चुनाव के मतगणना की तारीख, के तमाम तारीखें होंगी। दरअसल इन तीन राज्यों में चुनाव है और आज जब ये तारीखों का जब घोषणा होगी, ऐलान होगा, उसके बाद तीनों राज्यों में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में कोई भी सरकारी कार्यक्रम को लेकर और तमाम चीजों को लेकर अब वहां पर जो है आचार संहिता लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा। तो और बयानबाजी को लेकर भी और तमाम चीजों को लेकर आज इलेक्शन कमीशन प्रेस वार्ता करेंगे और उस गाइडलाइंस पे अब इन तीनों राज्यों में चलना होगा। और दोनों ही पार्टी जो है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तमाम पार्टियां अब वहां पर इलेक्शन को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद थी, तैयार थी। हाल ही में बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह भी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करके आए थे, चुनावी राज्यों का दौरा करके आए थे। तो इस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और ये पूरा जो साल है 2023, ये चुनावी साल की तरह देखा जा सकता है, या 2024 के मई तक ये पूरा चुनावी समय है, जिसमें इस पूरे साल में हर 2 से 3 महीने, क्योंकि मई में कर्नाटक में चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं जो कि साल के अंत में होने हैं। तो इस पूरे साल में चुनाव का दौर लगा रहेगा और उसके बाद 2024 में देश में आम चुनाव होंगे, जो नरेंद्र मोदी जिसकी तैयारी के लिए कल कार्यकारिणी बैठक हुई और वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण उस लिहाज से, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन तारीखों की घोषणा करेगी वो मेघालय, ये तीन राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, इन तीनों राज्यों की चुनाव की तारीखों की घोषणा आज की जाएगी। अदिति, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले बैठक हुई थी और अब आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, तीन राज्य नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा को लेकर के तारीखों का ऐलान। अदिति, क्या लगता है कि इन माह में ये संभव हो सकता है जब तारीखों का ऐलान हो, क्योंकि राजस्थान में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं? ऐसे में क्या अंदेशा जताया जा रहा है फिलहाल कि किन माह में संभवतः ये हो सकते हैं विधानसभा चुनाव इन तीन राज्यों में? देखिए, वो तो तारीखों के ऐलान के हिसाब से पता लगेगा, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ये माना जाता है कि जब आचार संहिता लगने के 1.5 महीने के अंदर ये चुनाव होंगे और लगभग आज पूरी तारीखें आ जाएंगी। तो ऐसे में मार्च की शुरुआत में ये चुनाव संभव है या फरवरी के अंत में ये चुनाव संभव है और उसके बाद मई में जो है कर्नाटक के चुनाव होने हैं और फिर दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं और आज इलेक्शन कमीशन की तारीखों के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल अदिति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।